संबल से डराने वाली खबर है। संबल के एक गांव में करीब 75% आबादी जानलेवा हेपेटाइटिस सी से पीड़ित है। गांव वालों की माने तो 5-6 साल में हेपेटाइटिस सी से 30-40 लोगों को मौत ने अपनी आगोश में समेट लिया है। गांव भर में हेपेटाइटिस सी के रोगी हैं। घरों में कहीं लोग मरणासन पड़े हैं तो कहीं बोतलें लगवाते देखे जा सकते हैं, मगर जिम्मेदार मामले पर चुप्पी साधे हैं। गांव वाले एक शुगर मिल पर जमीन का भूगर्भीय जल खराब करने का आरोप लगाते हैं। एक घर में लगे 250 फीट के समरसेबल पंप से आने वाले पानी भी रात को रखने के बाद सुबह पीला हो जाता है। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव? मेरा नाम नन्ने है। ये कौन सा गांव है? रामनगर थाना समोली। यहाँ पे एक समस्या आ रही है जो हम लोग के संज्ञान में आया है, बहुत सारे लोग बीमार हैं जिनको पी लिया हुआ है, कुछ मौतें हुई हैं, क्या है पूरा ये बताओ। रुपए में 12 ने भर बीमार हैं और कम से कम 18 मौतें हो गई 2.5-3 महीने में, 2-2 मौतें भी हुई हैं पानी की वजह से, मिल के डिस्लरी के पानी की वजह से। पानी रिबोर करके तले को बाढ़ दिया और देखो कितना गंदा पानी है, ऐसे में ना बेसाब छाई ऊपर काट छाई आंखों में 10-20 अंधे हो गए हैं और परेशान है। बाकी जैसे मानी ना रहे, हम तो साफ जामे और कहते हैं कि मिल नहीं उखड़ेगा तुमसे, मिल नहीं उखड़ेगा तुमसे। आपने कहीं शिकायत की? शिकायत DM तक पे गए, वहाँ तक आए, बाकी वो क्या करें, मुकदमा करें, अब पैसे दे दे हम हार जाओ और क्या करें। हाँ अब दवा दो 10-5 को दवा दिवाई जाए, ऐसी गोलियाँ दिवा दीजिए, 2-4 को सही दिवा दीजिए, नुका दिए, मैं पूरे गांव का ठेका थोड़ी है, क्या करें बताओ। कौन कहता है ये बात? ये कहते हैं मिल के अधिकारी। हाँ क्या पूरे गांव? कितने दिनों से तकलीफ है? ऐसा समझ लो कम से कम हो गए 16 साल, 16 साल से 2-4 मौतें होती रहे, मैं ऐसे तो मरी रहे हैं। और आपका तो गदर लोट हो गई, अब ज़्यादा गंदा हो गया ना सिर जितना गंदा हो रहा है बीमारी फैल रही है। हाँ? पानी कहाँ छोड़ रहे हैं? पानी बिल्कुल रिबोर करके मील में अंदर छोड़ रहे हैं, उन्होंने लैंटर डरवा रखे हैं नालों के अंदर। पहले तो सामने ही है कि वो पानी हम ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं जलाएंगे, अब क्या करें नालों में कौन पकड़ लेगा, लैंटर डरवा रखे हैं, तला छोड़ दिया पानी डिस्लरी का। तालाब भी है, बाहर भी पानी आ रहा है? हाँ तालाब में नदी में तमाम गंदा ही गंदा पानी है, तमाम गंदा पानी है। ये नदी है बिल्कुल बराबर में ही है गाँव की। क्या नाम है? सोत बोले हैं। हाँ सोत नदी बोले हैं, वैसा कोई नाम ना। मोली ब्लॉक का एक गांव है रामनगर करके, वहाँ पर तमाम सारे केस हैं, गांव में करीब 75% लोगों को हेपेटाइटिस सी है, तमाम सारी मौतें हुई हैं, क्या पूरा पकड़ा है, पानी खराब है वहाँ पर उन लोग का? वहाँ इस तरह की शिकायतें आ रही थी लोगों को बीमार होने का, तो इसको हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो किट अवेलेबल होता है उसके आधार पर जाँच की गई थी। जाँच करने पर अच्छी खासी संख्या में हेपेटाइटिस मिले, जैसा मुझे मालूम है कि लगभग 50 के आसपास जो पॉजिटिव मिले हैं। अब इसका जो वायरल लोड है, वायरल लोड के लिए हम लोग जो विशेषज्ञ संस्था है उससे जांच कराने का प्लान कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली इसका वायरल लोड कितना है और क्या रीजन है जिसके कारण से संख्या इतनी बढ़ी है, तो इसकी जाँच कराएंगे और कराने के बाद इसमें जो सुधारात्मक जो हमारे स्तर पर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे। जो पेयजल की समस्या एक जो सुनने में आ रही है कि पेयजल के कारण से ऐसा हो रहा है, तो अभी हम लोग उसका प्रपोजल जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि जो हमारा हर घर नल जल परियोजना है उसमें इस गांव को हम जल्द ही भिजवाने, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसका प्रपोजल भिजवाएंगे ताकि ये स्वीकृत होके जो पेयजल की समस्या है वो दूर हो सके। और जहाँ तक आस पड़ोस के इंडस्ट्री की बात है, तो इंडस्ट्री में एक प्रॉपरली हम लोग का एक गाइडलाइंस होता है जिसमें जो SPCB है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो इस चीज़ को चेक करती है कि किस लिमिट से कितना निकल रहा है, जो किस लिमिट से ज़्यादा तो कहीं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसको हम उस स्तर पे और इसकी गहनता से चेक कराएंगे और ये भी चेक कराएंगे कि हमारा भूगर्भ जल कितना प्रदूषित हो रहा है, इसको चेक करा के हम लोग इसको करेक्टिव मेजर्स जो है वो लेंगे।